की दिखावा और आपकी दुआ से आपकी ताकत से आज सरकारी यूनिवर्सिटी निजी विश्वविद्यालय बहुत खुले झारखंड में, निजी इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत खुले झारखंड में, लेकिन ये सरकारी यूनिवर्सिटी और ये सरकारी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गिरिडीह और खास करके पचम्बा को हम लोगों ने दिया। कहीं न कहीं इस बात का था कि पिछले दौर में पचम्बा को पहले रखा था गिरिडीह, बाद में था लोग कहते थे पचम्बा गिरिडीह, और बाद में परिस्थितियां ये हो गई कि पचम्बा गौन हो गया, गिरिडीह आगे हो गया। तो हमने भी यह सौगात हेमंत सोरेन जी के आशीर्वाद से आपको दी है कि पचम्बा फिर अपना खोया हुआ गौरव आप करे, एजुकेशन हब के तौर पर इस जगह की पहचान पूरे राज्य में स्थापित हो, दूर दराज के बच्चे आकर इंजीनियरिंग कॉलेज में घर से चावल ला के पढ़ के इंजीनियर बन सके, डिग्री ले सके, विश्वविद्यालय में बेहतर काम कर सके, और एक पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। ये बात सही है कि समय जरूर लगा है, लेकिन ये समय इस बात का लगा है कि आपके सर जेसी बोस के लिए सरकार ने 69 एकड़ भूमि दी है, उस 69 एकड़ जमीन में फैकल्टीज के आवास से लेकर तमाम कॉलेज के हॉस्टल से लेकर तमाम सुविधाएं उस यूनिवर्सिटी के एक कैंपस के अंदर। और इसी तरीके से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 35 एकड़ भूमि दी गई है। इस 35 एकड़ भूमि में हॉस्टल से लेकर सारी फैसिलिटी, खेल का मैदान तक मौजूद होगा। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको सौगात हेमंत की तरफ से मिली। पिछली बार जब हेमंत बाबू आए थे कॉलेज में उसी समय स्वीकृति का प्रस्ताव आया था, और वही में उन्होंने मंच पर घोषणा की थी यूनिवर्सिटी की स्थापना तो हो गया। आज हम लोगों ने इसको धरातल पर उतारा है। मेरा सौभाग्य है कि आज कल्पना मैडम भी इस ऐतिहासिक क्षण की गवाह बन रही है। तो इस यूनिवर्सिटी के काम को आगे बढ़ाने के लिए पहले जो मेरी अकेली ताकत लगती, अब दो ताकतें वहाँ काम करेंगी, मेरी और कल्पना मैडम की। और समय से पहले इस यूनिवर्सिटी को दिल्ली की जनता को समर्पित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मेहनत की गई है एक सरकारी यूनिवर्सिटी जेसी बोस यूनिवर्सिटी और सरकारी इंजीनियरिंग खोलने का। जिस तरीके से हमारे बड़े भैया बता रहे थे कि उपवास होता था, तो कहीं ना कहीं अगर ये उपवास नहीं होता, ये जिद इन्होंने नहीं थामी होती और उस जिद में मुझे शामिल नहीं किया होता हम लोगों ने आज। और खास करके अगर मैं सबसे ज्यादा कहना चाहूंगी कि आपके जो दादा हेमंत दादा की वजह से कहीं ना कहीं ये आशीर्वाद बच्चों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो बाहर जाते हैं उनके लिए एक रास्ता साफ हुआ है। और जो हुनर हमारे झारखंड के अंदर में है, उन हुनरों को यहाँ पर में तराशा जाएगा, उनको नया रूप दिया जाएगा। और उसके लिए आप डिग्री लेकर के, आप अपनी इंजीनियरिंग डिग्री हो, अपनी दूसरी डिग्रियां हो, उनको हासिल करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए, आज किसी ने बोला भी भैया बोल रहे थे इतना बड़ा कार्यक्रम है, आपने टेंट इतना क्यों छोटा लगाया। तो लेकिन मैं बताना चाहूंगी, कार्यक्रम बड़ा जरूर है, लेकिन जो आप छोटा टेंट यहाँ देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ इतना भव्य विशाल आपको भवन नजर आएगा कि आप भूल जाएंगे कि उसका शिलान्यास का कार्यक्रम में वो टेंट कितना छोटा था। जिंदाबाद, हर किसी भी जिंदाबाद, अगर आप जिंदाबाद जिंदाबाद, अगर आपको कुछ बड़ा करना है, जिंदाबाद कुछ बड़ा करना है, तो सोच भी बड़ी रखनी चाहिए। ये सोच बड़ी इसलिए है क्योंकि शिक्षा के स्तर पर अगर मैं कहूँ, हमारा समाज, हमारा झारखंड को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें एजुकेशन में, शिक्षा में अपने बच्चों को बहुत ज्यादा शिक्षित करना है, बच्चियां हो बच्चे हो दोनों को। क्योंकि आज झारखंड में अगर हम अपनी आवाज को
प्रशस्त करने का काम करते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सोच, आपका शिक्षित होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक परिवार शिक्षित होता है, एक माँ शिक्षित रहती है, एक पिताजी शिक्षित रहते हैं, तो पूरा समाज शिक्षित रहता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे इस कार्यक्रम में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसकी सोच कितनी ताकतवर है। ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब बच्चे यहाँ पर में एडमिशन ले करके, जब अपना ग्रेजुएशन, अपनी इंजीनियरिंग डिग्री ले करके अपना हाथ हिलाएंगे, तो फख्र से उनके पिता माता पूरे परिवार को गर्व होगा, उस बच्चे को भी गर्व होगा, उससे कहीं ज्यादा गर्व हम लोगों को होगा कि किसी ने ये प्रयास किया और सरकारी स्तर पर है